देखो, राहुल गांधी जी ने देश के कोने कोने में मोहब्बत की दुकान लोगों के प्यार में खोली है, और उस दुकान को हमने बंद नहीं होने देना है। हमने शटर डाउन करना है नफरत पर। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की दुकान है, उनका बिजनेस हमने बंद करना है, और ये हमने प्यार का वातावरण फैलाना है, और लोगों की उम्मीद भी। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, नौजवान कितने जुड़ रहे हैं। लोगों की उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर आगे आकर उनकी आवाज़ बने, और यही कार्य राहुल जी कर रहे हैं। और हम सभी लोग जो राहुल जी के और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं लोगों के बीच। रात उनके साथ हुई, बदतमीजी भी हुई उनके साथ, आपकी प्रतिक्रिया? ये भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा कि किस, इनके जो लोग हैं, इनके प्रतिनिधि हैं, ये हमेशा अपने लोगों को और ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, हमेशा देते आए हैं। अब किसी भी राज्य को ले लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे राज्य में भी यही, दूसरे राज्यों में भी यही। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, और लेकिन हम लोग अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। कल हम भी जाएंगे अपने खिलाड़ियों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जो उनकी मांग है, उनकी मांग को ये सरकार पूरा करे, ना कि उनको, जो प्रताड़ित लोग हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ना कि उनको और प्रताड़ित किया जाए। देखो, जनता इसका फैसला करती है। केवल इवेंट्स होते हैं इनके, हर बार लोगों को दो ज़बरदस्ती जैसे भी दिखाया जाता है कि एक इवेंट हो रहा है। इवेंट तो तब होता है जैसे राहुल गांधी जी ज़मीन पर उतर कर लोगों के बीच में गए, लोगों के दिल की बात सुनी। लेकिन यहाँ पर तो एक आप ब्रॉडकास्ट कर दो और लोगों को बिठा दो जगह जगह रेडियो लेकर, ये मन की बात एक व्यक्ति की तो हो सकती है, लेकिन ये देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों के मन की बात होनी चाहिए।